सॉरी फ्रेंड्स, मुझे याद आया कि मैं आपको भी ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अभी वीडियो बना रही थी और मैंने आज मम्मी को कहा है कि मैं खुद बनाऊंगी आज गुलाब जामुन, क्योंकि हमेशा मम्मी ही बनाती रहती है और मुझे भी बनाने का मन करता है। तो आज मैं बना रही हूँ और मैंने मम्मी को कहा है कि मम्मी बस मुझे बताते जाए और मैं बताती जाऊँगी। तो और आप ना हमारे वीडियो को शेयर करना, हमारे कहने से तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, इसलिए शेयर तो कर देना, ज़रूर करना। तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया था और गूंद रही हूँ अभी अभी गूंद देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा गूंद लिया। सो फ्रेंड्स, आज मैंने मम्मी को कहा है मैं अंगूरी गुलाब जामुन बनाऊंगी। जितने अंगूर रहते हैं ना, उतने उतने पीसेस, ऐसे इतने छोटे, इतने तो अंगूर होते, उतने ऐसे ही बनाते जाएंगे। और मैं ऐसे ही सारे बनाकर रख लूंगी। फ्रेंड्स, मेरी बहन भी मेरे साथ गोला बनाने में हेल्प कर रही है। ऐसे करते करते हमने इतने सारे गोले बना लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने इतने सारे अब बना लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हम कढ़ाई लेते हैं, लाइटर, इसमें तेल डालते हैं। अब तेल थोड़ा पकने देते हैं। सो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके सब डाल देते हैं। इनको पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हम मेरी मम्मी कहती है कि ऐसे ऐसे हिलाना चाहिए, वो खुद ब खुद गोल गोल होने लगेंगे। इसे मैं भी ऐसे ही कर रही। अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी और निकाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, देखिए डार्क ब्राउन कलर हो गया, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं बाकी जो बचे हैं उनको भी डाल देती हूँ। ये 10 बच गए थे तो उनको निकाल।
मम्मी कहती है कि डायरेक्ट डालने के बाद ऐसे ऐसे निकलते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे कर रही थी। अब मैं इनको ऐसे कर रही हूँ। अब ये भी डार्क ब्राउन होने तक मैं करती रहूंगी। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबको तल के रख दिया है। मम्मी ने यहाँ पर पाक बनाया है, अब मैं इन सबको पाक में डाल दूंगी। और पाक के अंदर अब ये सब पाक को सोख नहीं लेता, तब तक हम मेरी दीदी ने सारे डाल दिए हैं। अब ये 3-4 घंटे सोखने तक ऐसे ही ढक के रखेंगे। सो फ्रेंड्स, 3 घंटे हो गए हमारे गुलाब जामुन को रखे हुए। चलो हम देखते हैं मम्मी ने। हाँ तो मम्मी ने यहाँ छोटे बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में डाल दिया। देखते हैं, वो कितने रसीले लग रहे हैं। देखते हैं क्या हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कितना रसीला है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से सोख लिया इसने। अब ये भी कट करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसने भी बहुत अच्छे से सोख लिया है। अब देखो इसका टेस्ट कैसा होगा। इतना टेस्टी है ना, पूछो ही मत। सो फ्रेंड्स, आज मुझे पता चला कि खाना बनाना इतना टाइम लगता है क्योंकि हर बार हम मम्मी के हाथ का खाते हैं, इस बार मम्मी हमारे हाथ का खाएगी। सो मैंने इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो ज़रूर करके जाना और शेयर तो ज़रूर करना, भूलना मत। बाय, थैंक यू।